शेखर शेखर हेलो हेलो कृपया करून मैच जल्द से जल्द चालू करना है। मिलिंद 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 सेवन सुपरस्टार के कैप्टन मिलिंद सेवन सुपरस्टार के कैप्टन मिलिंद बहुत ही खुशी से सेवन सुपरस्टार के कैप्टन मिलिंद क्या बात है। यहां पर हमें देखने मिल रहा है सुपर सैंडीज की तरफ से सुशांत हरवाड़कर स्ट्राइक पे आकाश भालेराव के साथ सुशांत हरवाड़कर उर्फ पिंटिया। एक सेकेंड अंपायर एक सेकेंड, यहाँ पर रन लिखने को कोई नहीं था तो अभी हम सुरेश काका को रिक्वेस्ट किए हैं। शेखर भी बाहर जा रहा है। मैच चालू हो चुका है। कैला का पहला बॉल सुशांत ने बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है और भाग के एक रन लेने में कामयाब। कैलाश चौहान है बॉलिंग पर। कैलाश चौहान का सेकंड बॉल आकाश भालेराव स्ट्राइक पर। आकाश भालेराव ने बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है और अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। एक रन भाग के कैलाश चौहान का तीसरा बॉल। सुशांत स्ट्राइक पर और सुशांत ने बैट घुमाया लेकिन वो बॉल मिस हो गया सुशांत के हाथ से और इस बार डॉट बॉल तीसरा टाइगर्स की तरफ से। कैलाश चौहान का चौथा बॉल। सुशांत स्ट्राइक पर है, देखते क्या करते हैं सुशांत। सुशांत ने फिर से मारने की कोशिश की लेकिन शायद उनको बॉल ठीक से दिख नहीं पाया क्योंकि शाम के 7 बज के गए। 7 वाजून गेलेले आहेत। 4 बॉल 2 धावा। 5वा बॉल कैलाश चौहान का। सुशांत ने बेहतरीन शॉट मारा है और ये कैच पकड़ लिया है सुशांत हरवाड़कर का। सुशांत हरवाड़कर निराशी से बैट लेते हुए अपने प्लेयर्स की तरफ भाग के आ रहे सुशांत। बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब ये जा रहे हैं अनिल। अनिल फ्रॉम पनवेल, वाल्या का भाई अनिल। स्ट्राइक पर अनिल। कैला का लास्ट का बॉल 1-2 गो। 5 बॉल 2 रन। लास्ट बॉल कैलाश चौहान। स्ट्राइक पर है अनिल। बेहतरीन बॉल और अनिल ने बेहतरीन शॉट मारा है पर वो पर्दे को लग के और ये फील्डिंग में थोड़ी नाकामयाबी और ये 2 रन लेने में कामयाब।
सुपर साइंटिस्ट के प्लेयर बहुत ही बेहतरीन दो रन लेने में कामयाब। एक ओवर चार रन। ये सेकंड ओवर दीपक डालते हुए हमें दिख रहे हैं। दीपक का पहला बॉल स्ट्राइक पर है आकाश भालेराव, और ये पहला बॉल खूब ग्राउंड शॉट मारा है आकाश भालेराव ने और एक रन लेने में कामयाब। एक बॉल पांच रन। सेकंड ओवर का दूसरा बॉल दीपक डालते हुए स्ट्राइक पर है अनिल पनवेल। अनिल ने बहुत बेहतरीन हवे में बॉल उड़ाया है और ये पर्दे को लगकर बॉल अंदर गया है। देखते हैं अंपायर का क्या डिसीजन है। अंपायर का डिसीजन दो रन। दो बॉल छह रन, दो बॉल सात रन। ये तीसरा बॉल दीपक का स्ट्राइक पर अनिल पनवेल। अनिल पनवेल ने बहुत बेहतरीन शॉट मारा है हवा में, देखते क्या होता है। और ये बेहतरीन कैच पकड़ी जा चुकी है और अनिल फ्रॉम पनवेल फिर से जा रहे हैं पनवेल। अनिल की गाड़ी मिस नहीं हुई, अब वो पनवेल जा रहे हैं। अब आए हैं बेहतरीन फेमस प्लेयर समीर गायकवाड़ उर्फ खंडू, विश्वास प्लेयर का कैप्टन समीर खंडू। दो विकेट सात रन, तीन बॉल दो विकेट सात रन यहां पर हो चुके हैं। मेरे बाजू में बैठे देव मंथन पुत्रन। अरे बेहतरीन बॉल और बेहतरीन शॉट मारे दीपक समीर खंडू ने और देखते अंपायर का डिसीजन दो रन। बेहतरीन ट्राई किया था इन्होंने सिक्स के लिए, लेकिन बॉल किसी का भी उधर तक जा नहीं रहा। चार बॉल नौ रन और ये पांचवा बॉल दीपक डालते हुए स्ट्राइक पर एक खंडू। पांचवा बॉल इन्होंने मारने की कोशिश की और कैलाश चौहान ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ी है उनकी और समीर खंडू निराशी से वापस आते हुए और अभी स्ट्राइक पर जा रहे हैं उनके कैप्टन संदीप भाई। हमें समीर उर्फ खंडू से बहुत उम्मीद थी कि वो कुछ कर पाएंगे। पांच बॉल नौ रन तीन विकेट, तीन विकेट पांच बॉल नौ रन हो चुके हैं यहां पर। खंडू को रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ग्राउंड क्लियर कीजिए। स्ट्राइक पर है संदीप भाई। नौ रन नौ रन लास्ट बॉल नौ रन तीन विकेट, ये लास्ट बॉल डाला है संदीप भाई को। संदीप भाई ने बेहतरीन शॉट मारने की कोशिश वनडी के लिए, लेकिन झाड़ को लगते हुए आया और ये एक रन लेने में कामयाब। यहां पर दो ओवर दस रन हुए तीन विकेट। देखते हैं तीसरा टाइगर्स का तीसरा बॉलर कौन आता है। ओ माय गॉड, तीसरा टाइगर्स का कैप्टन खुद यहां पर बॉलिंग डालने आ चुका है और मैं कहना चाहता हूं तीसरा टाइगर्स में अपने जाने माने ऑरेंज मिड के ओनर राकेश चंडेलिया जी भी फील्डिंग कर रहे हैं और ये रंजीत का पहला बॉल अंपायर का डिसीजन वाइड। यहां पर 11 रन हो चुके हैं दो ओवर 11। रंजीत का ये पहला बॉल देखते हैं। संदीप भाई ने ये बॉल मिस किया है और अंपायर का डिसीजन हम देखना चाहते हैं और ये अंपायर ने आउट ये डिसीजन दे दिया है।
विक्रांत ने कैच पकड़ा है। रंजीत का पहला बॉल वाइड था पर दूसरा बॉल उन्होंने बहुत बेहतरीन डाल के संदीप भाई को आउट कराया है। सूर्या ग्रुप एंड एसेंस टाइगर, नेक्स्ट मैच आपका है तो आप प्लीज कैप्टन टॉस उड़ाने के लिए स्टेज की तरफ आ जाइए। चार विकेट, 11 रन, दो बॉल। एक बॉल हुआ है सॉरी, और ये दूसरा बॉल डालते हुए रंजीत। और यहां पर गनी भाई आ चुके हैं। गनी भाई ने मारा है उनका बॉल, एक रन लेने में कामयाब। चार विकेट, दो बॉल, 12 रन। और ये तीसरा बॉल आकाश बालेराव, और ये बहुत ही बेहतरीन बॉल डाला है आकाश बालेराव से, ये बॉल मिस हुआ है, आउट होते होते बहुत बचे हैं ये। अभी का ये थर्ड बॉल डॉट। अगर रंजीत विकेट लेता है तो सुरेश के तरफ से 201 का इनाम दिया जाएगा ये बॉल पे, अगर विकेट लेता है या फिर ये ओवर पे भी लेता है तो भी। तीन बॉल 12 रन, चार विकेट जा चुके हैं। स्ट्राइक पर आकाश बालेराव, रंजीत बॉल डालते हुए चौथा बॉल, और ये आकाश ने बेहतरीन मारने की कोशिश, और ये कैच पकड़ लिया है। 200 रुपए इनको नहीं मिलने वाला है बल्कि आधी को शायद कुछ मिल सकता है। सनी ने कैच पकड़ा है, सनी ये छोटे बच्चे ने आकाश बालेराव का कैच पकड़ लिया है। रंजीत इनको 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा सुरेश की तरफ से, मैच के बाद स्टेज के पीछे मिल लेना उनको। चार बॉल 12 रन, पांच विकेट, और ये पांचवा बॉल भूषण खेलते हुए, और ये इन्होंने बॉल मिस कर दिया है, ये डॉट बॉल था अभी का। पांच बॉल 12 रन, पांच विकेट, लास्ट बॉल भूषण ने बहुत बेहतरीन शॉट मारा है, और प्लेयर की मशीन की वजह से वरना ये कैच थी, दीपक ने थ्रो किया है बेहतरीन और भूषण आउट हो चुके हैं। यहां पर मिस कम्युनिकेशन के वजह से शायद गणेश और भूषण 13 रन हो चुके हैं 6 विकेट पर। तीसरी ओवर खत्म हो चुके हैं, अभी चौथी ओवर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथी ओवर तीसरा टाइगर्स के यहां से कौन डाल रहा है। बॉलर विक्रांत आ चुके हैं तीसरा टाइगर्स की तरफ से, त्रिशा टाइगर्स की तरफ से बॉलर है विक्रांत। स्ट्राइक पर है अविनाश चौहान, और उनके साथ खेल रहे गणेश चौहान, चौहान बॉयज, चौहान ब्रदर्स। और अंपायर का इशारा, वाइड बॉल था ये, पहला ही बॉल वाइड डाला है इन्होंने, विक्रांत ने पहला ही बॉल वाइड डाला हुआ है। यहां पर 14 रन हो चुके हैं, आव्या वर्सेस गन्या, देखते जोड़ी कैसे बनेगी। और अविनाश ने बेहतरीन ग्राउंड शॉट मारने की कोशिश, और दोनों भाई बेहतरीन एक रन लेने में कामयाब। यहां पर एक बॉल 15 रन, एक बॉल 15 रन, स्ट्राइक पर है गनू। विक्रांत का दूसरा बॉल, और ये गनू ने बेहतरीन शॉट मारा है नए बिल्डिंग की तरफ, अंपायर का डिसीजन एक रन डिक्लेयर। दो बॉल 16 रन,
दो बॉल 16 रन और ये तीसरा बॉल विक्रांत का स्ट्राइक पर है गनू और ये गनू ने बेहतरीन शॉट मारा था, ये कैच हो सकता था और ये दूसरा रन भी भागे है, देखते कामयाब होते हैं क्या। और ये दूसरा रन लेने में भी कामयाब दोनों भाई की जोड़ी चवान ब्रदर्स, नाना के बच्चे बेहतरीन खेलते हुए। यहां पर एक रन शॉट दिया गया है, 17 रन हो चुके हैं यहां पर, दो बॉल 17, तीन बॉल 17। गनु स्ट्राइक पर है अभी और ये चौथा बॉल विक्रांत डालते हुए और ये गनु ने बेहतरीन शॉट मार के और ये वनडी की तरफ गया नहीं है, लग के रिटर्न आया है बॉल और अब 18 रन हो चुके हैं, चार बॉल 18, टू टू गो। स्ट्राइक पर है अविनाश चौहान, देखते हैं अविनाश चौहान क्या करते हैं इस बॉल में। ये विक्रांत का पांचवा बॉल था और ये अविनाश ने वनडी मारने की कोशिश, गनु स्ट्राइक तक शायद पहुंच गया है, अंपायर का डिसीजन देखना चाहते हैं हम, अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। यहां पर अभी 19 रन हो चुके हैं, 1-2 गो लास्ट बॉल, पांच बॉल 19 रन, लास्ट बॉल विक्रांत का स्ट्राइक पर है गणेश चौहान उर्फ गनी भाई और ये गनी भाई ने बैट घुमाने की कोशिश की लेकिन ये कामयाब नहीं हुए और इन्होंने भाग कर लेने की कोशिश की और गिर गए हैं पूरी तरह से गिर गए हैं। अंपायर का डिसीजन जानना चाहते हैं हम, आउट है, ये रन गिरा नहीं जाता है। गनी भाई की भागने की कोशिश और ये गिरने का परिणाम सफल नहीं हो पाया और अब सैंडी राकेश चंडलिया, बहुत ही जाने माने फेमस क्लबिंग मेंबर उर्फ सोनू, सूर्या ग्रुप और एसएस स्ट्राइकर्स को स्टेज पे बुलाने की अनुमति चाहता नहीं हूं, उनको आना पड़ेगा स्टेज पे क्योंकि टॉस उड़ाना है। सूर्या ग्रुप के कैप्टन और एसएस स्ट्राइकर के कैप्टन अगर आज 5 मिनट में नहीं आए तो आपको 2 रन की पेनल्टी लग सकती है। पांच मिनट में एसएस स्ट्राइकर के कैप्टन अगर नहीं आते तो उनको 2 रन की पेनल्टी लग जाएगी। क्या बात है, राकेश चंडालिया को स्ट्राइक पे रखा है, देखते हैं वो क्या करते हैं। ओपनर अविनाश उनके सामने बॉलिंग पर आ चुके हैं, बहुत ही पुराना रिश्ता है इनका फाइटिंग का, पहले से ही झगड़ते आ रहे हैं बचपन से, बचपन में भी बहुत मारामारी करते थे। अब देखते हैं
क्रिकेट में कितनी मारामारी कर पाते हैं। और ये अविनाश चौहान का पहला बॉल राकेश चंडाले की तरफ, और ये अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। सोनू बहुत ही खुशी में अभी, सोनू ने बेहतरीन बॉल को जज करके वाइड की तरफ छोड़ दिया था। 0 बॉल 1 रन। और ये अविनाश का पहला बॉल, और ये भी वाइड बॉल है, क्या बात है। सोनू के खाते में 2 रन आ चुके हैं, बेहतरीन से, मतलब अभी उनके कैप्टन को कोई निराशी नहीं होगी। 0 बॉल 2 रन, 0 बॉल 2 रन। और यहां पर ओवर चेंज हो चुका है, यहां पर बॉलर चेंज हो चुका है। अब बॉलर है समीर उर्फ खंडू। समीर का पहला बॉल, बैट्समैन सोनू, और ये अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। सोनू के खाते में 3 रन आ चुके हैं, 0 बॉल 3 रन। और ये आउट होने का बहुत बहुत चांस था आउट होने का। और ये पहला बॉल डालते हुए समीर, और ये बॉल अंपायर डिसीजन, ये भी वाइड बॉल दिया है। 0 बॉल 4 रन सोनू के खाते में। मुझे लगता है सोनू आज सब बॉल वाइड ही लेके जाने वाला है। आप देख सकते हैं सोनू स्ट्राइक पे खड़ा है तो कितना खौफ हो चुका है यहां पर। अब ये समीर का पहला बॉल, और ये सोनू ने मिस कर दिया है बॉल, ये बॉल सोनू ने मिस कर दिया है। समीर की बेहतरीन बॉलिंग, 1 बॉल 4 रन। और ये दूसरा बॉल समीर डालते हुए, और ये सोनू ने बेहतरीन शॉट मारा है सामने। अनिल ने बॉल काफी बेहतरीन तरीके से यहां पर थ्रो किया है, और सोनू और विक्रांत 1 रन लेने में कामयाब। 2 बॉल 5 रन यहां पर। ये तीसरा बॉल खंडू का, और ये बेहतरीन विक्रांत ने शॉट मारा नई बिल्डिंग की तरफ, अंपायर का इशारा डिक्लेयर। तीन बॉल 6 रन हो चुके। ये चौथा बॉल, और ये सुशांत के हाथ से बॉल छूट गया है, और ये भाले के भी हाथ से बॉल छूट गया है। और ये यहां पर मिस फील्डिंग, तीन बॉल 7 रन। चौथा बॉल समीर खंडू, सोनू स्ट्राइक पर, सोनू ने बेहतरीन शॉट मारा पर्दे के ऊपर, और सुशांत बॉल ढूंढते हुए, सुशांत ने बेहतरीन थ्रो किया है, लेकिन गलत थ्रो और मिस फील्डिंग की वजह से ये दूसरा रन लेने के लिए कामयाब। और ये भूषण ने फिर से थ्रो किया है, और ये बेहतरीन बेहतरीन मौका, राकेश चंडाला ने जो शॉट मारा है, बेहतरीन खेल रहे है, 2 रन लेने के लिए कामयाब। 5 बॉल हो चुके हैं यहां पर, 9 रन। सुशांत की मिस फील्डिंग, 5 बॉल 9 रन, 1 to go। देखते सोनू इस बॉल पे क्या, बेहतरीन शॉट मारा है सोनू ने, यहां पर अंपायर ने डिक्लेयर दे दिया है। यहां पर 1 ओवर 10 रन हो चुके हैं। सुपर सैंडीज के प्लेयर बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे, 1 ओवर 10 रन। अठारह बॉल 10 रन चाहिए जीतने के लिए त्रिशा टाइगर्स को, 18 बॉल 10 रन जीतने के लिए चाहिए। स्ट्राइक पर अभी आ चुके हैं बैट्समैन विक्रांत, बॉलिंग पर है गणेश चौहान उर्फ गनी भाई। गनू का पहला बॉल, और ये पहला बॉल विक्रांत ने काफी बेहतरीन बिल्डिंग की तरफ हवा में उड़ाते हुए, अंपायर का इशारा डिक्लेयर। 1 बॉल 11 रन, दूसरी ओवर का 1 बॉल 11 रन। स्ट्राइक पर है विक्रांत, यहां पर सोनू ने अपने पोजीशन चेंज कर दिए। गणेश चौहान बॉलिंग पर है,
स्ट्राइक पर उनके सामने है विक्रांत, और ये बेहतरीन शॉट मारा है, और एक उन्होंने सेम और अंपायर ने डिक्लेयर दे दिया है, दो बॉल 12 रन, दूसरी ओवर दो बॉल 12 रन। देखते हैं गणेश की बॉलिंग अब कैसे गिरती है तीसरे बॉल पर, और ये तीसरा बॉल डालते हुए इन्होंने और एक वैसा ट्राई किया बट ये मिस हो चुका है, गनू ने थ्रो किया है और संदीप भाई ने स्टंपिंग कर दिया है और अंपायर का इशारा नॉट आउट। बहुत अच्छी इन्होंने फील्डिंग की थी लेकिन नाकामयाब। सोनू और विक्रांत की जोड़ी यहां पर बहुत ही जम रही है, सोनू ऑरेंज मिंट और सब क्लब्स के ओनर। तीन बॉल 13 रन, चौथा बॉल गणेश चौहान डालते हुए राकेश चंडालिया को, और ये बॉल डाला और ये राकेश ने बेहतरीन शॉट मार के पर्दे के ऊपर, और ये एक रन लेने में कामयाब हो चुके हैं, और सुशांत ने थ्रो किया है ये बॉल, सुपला शॉट मारा है सोनू ने, सुपला शॉट। चार बॉल 14 रन हो चुके हैं यहां पर, जीतने के लिए 6 रन। गनू ने बॉल डाला है और ये विक्रांत ने मारने की कोशिश, बेहतरीन बॉलिंग, और ये अविनाश ने, यार यहां पर अविनाश थ्रो करते थे तो शायद ये प्लेयर आउट हो सकता था। ये प्लेयर मतलब ये जाना माना फेमस प्लेयर राकेश चंडालिया उर्फ सोनू। 5 बॉल 15 रन हो चुके हैं, 1-2 गो, गणेश का लास्ट बॉल तीसरी ओवर का, स्ट्राइक पर है सोनू दूसरी ओवर, और ये सोनू ने मारने की कोशिश लेकिन ये बॉल, बेहतरीन बॉलिंग गणेश चौहान की, और ये बॉल डॉट हो चुका है। इसी तरह से दूसरी ओवर समाप्त, दो ओवर 15 रन, 12 बॉल 5 रन की आवश्यकता है त्रिशा टाइगर्स के लिए। और अब बॉलर पर आ चुके हैं अनिल, अनिल फ्रॉम पनवेल, पनवेल की गाड़ी से आ चुके हैं, स्ट्राइक पर है विक्रांत। अनिल का पहला बॉल और ये बेहतरीन शॉट मारा है विक्रांत ने डिक्लेयर। एक बॉल 16 रन तीसरी ओवर डालते हुए, और ये दूसरा बॉल भी एकदम इजीली मारा है उन्होंने। अब ये 17 रन हो चुके हैं, दो बॉल 17, 2-3 रन, 3 रन की जरूरत है इनको। अभी तीसरा बॉल अनिल फ्रॉम पनवेल, और ये तीसरा बॉल भी बहुत ही आसानी से बच्चे जैसा मारा है अनिल को। अब 2 रन टू इन है सिर्फ, 9 बॉल में 2 रन चाहिए टीशा टाइगर्स को, और ये भी बहुत इन्होंने दिखा दिया है अनिल को कि आप पनवेल जा सकते हो विदाउट टिकट, आप विदाउट टिकट एसी लोकल में भी जा सकते हो पनवेल, ऐसा इन्होंने दिखा दिया है। बेहतरीन शॉट मारा है, अब इनको 1 रन की आवश्यकता, 8 बॉल 1 रन, माननीय संतोष तोड़कर साहब जी उपस्थित, संतोष भाई तोड़कर आणि संजय भाई यांचं स्वागत करतोय जेपीएल सीजन 3 जॉन प्रीमियर लीग 2023। संतोष तोड़कर भाई आणि संजय भाई यांच्यासाठी एकदा जोरदार ताळ्या वाजवण्यात येईल, त्यांनी आपल्यासाठी खूप सहकार्य केलेलं आहे या मॅच साठी, आणि आता मॅन ऑफ द मॅच बघूया कोण आहेत।
त्रिशा टाइगर सी मैच जीतलेले आहेत. आता बघूया मॅन ऑफ द मॅच कोणाला भेटतंय. विक्रांतला मॅन ऑफ द मॅच दिले जाणार आहे. त्यांनी कृपया करून स्टेजवर यावं. संतोष तोडकर शेठ यांना मी विनंती करतो की त्यांना मॅन ऑफ द मॅच हे अवॉर्ड द्यावा. एकदा जोरदार ताळ्या विक्रांतसाठी. मॅन ऑफ द मॅच भेटलेला आहे त्यांना. सूर्या ग्रुप आणि एस एस स्ट्राईक चे कॅप्टन. एस एस स्ट्राईकचा कोणी एस एस ट्राइगर का कोई भी मेंबर आ सकता है स्टेज पर टॉस उड़ाने के लिए जल्द से जल्द. तन्मय तन्मय ये चालेल कोणी पण आहे ना. एस एस स्ट्रायकरच्या मेंबरनी कृपया करून टॉस उडवायसाठी लवकरात लवकर जर नाही आले तर त्यांना पेनल्टी देण्यात येईल. एस एस स्ट्रायकर्स एस एस स्ट्रायकर जर तुम्ही जर नाही आले तर तुमची टीम बाद होऊ शकते. लवकर एस एस स्ट्रायकर आता इथे टॉस उडवण्यात येत आहे. संजय भाई टॉस उडवत आहेत. काटा आणि छापा या ठिकाणी ठरलेला आहे. टॉस विन हे सूर्या ग्रुप आणि सूर्या ग्रुप हे काय चूज करतायत ते आपण बघूया नंतर. माननीय संतोष तोडकर शेठ यांचा जॉन प्रीमियर लीग सीझन 3 मध्ये आपण सगळे स्वागत करीत आहोत. रामभाव यांच्या हस्ते संतोष तोडकर शेठ यांचं आम्ही स्वागत करीत आहोत. कृपया सगळ्यांनी जोरदार ताळ्या वाजवावा. रामभाऊच्या हस्ते संतोष तोडकर शेठ यांचं स्वागत करीत आहेत. जोरदार ताळ्या.
आता राम भाऊ अपने लाडके संजय भाई स्वागत करीत है। जोरदार ताळ्या एकदा। आता अपने सर्वात लाडके रुपेश वारगडे यांचं स्वागत करण्यात येईल। जोरदार एकदा ताळ्या होऊन जाऊ द्या। आता नेक्स्ट मैच है सुरेश बॉल। हा नवीन बॉल रंजीत जे कैप्टन है स्टेज ची संपर्क साधावा। मग प्रवीण आम्ही विनंती करतो की त्यांनी जर माइक स्को तो वही ना कोई भी।